नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से, पुराना बस स्टैंड के निकट सिविल लाइन थाना परिसर में 1 जुलाई से साइबर थाने की होगी शुरुआत। साइबर क्राइम पर रोक लगाने में मिलेगी अत्यधिक सहायता, यह कहना है पुलिस विभाग के जनसंपर्क अधिकारी अभिषेक का। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार खोले जा रहे साइबर थाने में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। जिला भिवानी में 1 जुलाई से साइबर थाना अपना कार्य आरंभ करेगा। जिलावासी 1 जुलाई से किसी भी प्रकार की ऑनलाइन व साइबर अपराध की शिकायत पुराना बस स्टैंड पर थाना सिविल लाइन के प्रथम तल पर साइबर थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस अवसर पर पुलिस विभाग के PRO अभिषेक ने बताया कि जिले में लगातार बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि साइबर क्राइम पर रोक लगाकर लोगों को बचाया जा सके। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि भिवानी की जनता साइबर थाने में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार से शिकायत दर्ज करवा सकती हैं, जो कि आम जनता के लिए काफी फायदेमंद है। वहीं जिला भिवानी में साइबर थाना खुलने के बाद जिले में साइबर अपराधों को कम किया जाएगा। आपने भी देखा होगा पिछले कुछ समय से, खासकर लॉकडाउन के दौरान, जो साइबर अपराध हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है। तो इसके देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी है ना योजना बनाई है कि प्रत्येक जिले में एक साइबर थाने का गठन किया जाए, और इस क्रम में पहले हमारे रेंज लेवल के ऊपर थाने स्थापित किए गए थे। तो अभी इन मामलों में ज़्यादा से जल्दी प्रभावी कार्रवाई करने के लिए और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए जिला भिवानी में भी 1 जुलाई को साइबर थाने का उद्घाटन किया जाएगा। इसके लिए जगह हमने जो पुराने बस स्टैंड पे सिविल लाइन थाना है उसके प्रथम तल पे हमने इसको इसके लिए जगह चिन्हित की गई है, और 1 जुलाई से ये वहीं पे कार्य करने लग जाए। देखिए, जनता को हम इसलिए किया गया है क्योंकि जो अपराध होता है उसके जल्दी से उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करने के लिए स्पेशल तौर पे एक थाने का गठन किया गया है, जो सिर्फ विशेष तौर पर ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर अपराध से संबंधित कोई भी किसी के साथ कोई घटना घटती है तो वो अपनी लिखित में शिकायत सिविल लाइन थाने में प्रथम तल के ऊपर, जो साइबर थाना 1 जुलाई से जो कार्यरत होने लग जाएगा, वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करो। बुधवार को आषाढ़ मास की अमावस्या पर जोगीवाला शिव मंदिर परिसर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर महंत वेदनाथ महाराज ने बताया कि इस दिन स्नान दान करना अत्यंत फलदायी होता है। वहीं आज के दिन पूजा करने पर कालसर्प योग व पितृदोष में भी मुक्ति मिलती है। इस अवसर पर गणपति बप्पा की पूजा करके भिवानी वासियों ने हवन यज्ञ में भाग लिया। बुधवार को आषाढ़ अमावस्या तिथि है। इस दिन स्नान और दान करना पुण्य व फलदायी होता है, तथा इस दिन आप काल सर्प दोष और पितृ दोष से मुक्ति के उपाय भी कर सकते हैं। इस अवसर पर आज भिवानी के जोगीवाला मंदिर में महंत वेदनाथ महाराज के द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं इस अवसर पर महंत वेदनाथ जी महाराज ने बताया कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने की परंपरा है, तथा स्नान और दान करने पुण्य प्राप्त होता है, वह पितर भी प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों को पितृ दोष या काल सर्प दोष होता है, वे लोग अमावस्या के दिन से मुक्ति के उपाय भी कर सकते हैं। पितरों के अतृप्त या क्रोधित होने से वंश वृद्धि, काम में उन्नति आदि रुक जाती है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। काल सर्प दोष होने से भी बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, वह सफलता नहीं मिलती, वाद विवाद और तनाव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में इनका निवारण कराना उत्तम माना जाता है, तथा अमावस्या तिथि के दिन पितरों के देव की पूजा करने का विधान है। इससे आयु, बल और वंश में वृद्धि होती है। इस दिन गणेश पूजन और व्रत रखने से बुध ग्रह भी ठीक होते हैं। बुध ग्रह के प्रबल होने पर करियर और बिजनेस में उन्नति होती है। बुध ग्रह के लिए आप हरा चारा, हरी सब्जियां, हरे कपड़े, हरी मूंग दाल आदि का दान भी कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को गति प्रदान करने के लिए लगाएगा 10,000 फल व फूलदार पौधे। प्रत्येक बेटी के जन्म पर उसी के घर में विभाग द्वारा लगवाया जाएगा फलदार पौधा, यह कहना है विभाग की कार्यक्रम अधिकारी दर्शना का। उन्होंने बताया कि बेटियां आज के युग में हर क्षेत्र में अपने समाज का नाम रोशन कर रही है। उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बेटी बचाओ योजना के तहत 10,000 फल फूल वाले पौधे लगाए जाएंगे। वहीं जब इस बारे में महिला एवं
बाल विकास जिला अधिकारी दर्शना से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 2 जुलाई से प्रत्येक ग्राम में जिस घर में बेटी है उस घर में एक फल का पौधा दिया जाएगा ताकि बड़ा होकर बेटी की विदाई के बाद भी वह पौधा फल और छाया परिवार वालों को देता रहे, जिससे बेटी की याद परिवारजनों में हमेशा बनी रहे। साथ ही उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ के अंतर्गत 1280 टीमें इस काम के लिए लगाई जाएंगी। वह प्रत्येक ब्लॉक में एक आंगनवाड़ी सेंटर से 6 महिलाओं की टीम तैयार करके प्रत्येक गांव में घर घर जाकर यह फलदार पौधे बच्चे को देंगे और पौधारोपण करवा के नाम की प्लेट भी लगाएंगे। आज के युग में बेटी बढ़कर अपना नाम रोशन कर रही है तथा बेटी की बराबरी का दर्जा मिले वे पूरा मान सम्मान मिले, इसी बात को लेकर बेटी बचाओ अलख जगाई जा रही है। उसमें से ज्यादातर हम लड़कियों के घर में तो फलों के पौधे ही लगाएंगे ताकि कल ना लड़की जाने के बाद भी उसकी यादगार भी बनी रहे और वो पौधा बड़ा होकर फल भी दे और छाया भी देगा। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए चला जा रहा प्रोग्राम में हम भाग ले रहे हैं क्योंकि प्रकृति हमें हमेशा देती है। ऐसे भी लड़कियों को बचाने के लिए हमारा साथ में ये लड़कियों का भी टारगेट लिया है। लड़की और प्रकृति मिलती जुलती चीज़ हैं, दोनों देते ही देते हैं हमेशा, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, हमेशा वो देने देने का ही संस्कार देती है। परिवार में दो दो परिवार में संस्कार चलते हैं उसके, और आज की लड़की वैसे भी कहीं भी किसी से कम नहीं है, जहाँ भी उसको मौका मिलता है हर जगह सफल हो रही है लड़की। तो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम हमने पीछे जून में 7 जून से स्टार्ट किया था। 3 दिन हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक में जागरूकता रैली निकाली थी और बाद में एक सम्मान समारोह किया था जिसमें हमने 63 लड़कियों को और उनकी मदर्स को भी साथ में सम्मानित किया था। इसमें हमारी अधिकारी थी, एक तो फ्लाइंग ऑफिसर थी, डॉक्टर थी, इंजीनियर थी और भी अचीवर स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, कल्चरल प्रोग्राम में, जो जहाँ जहाँ से भी हमने हर ब्लॉक से एक एक दो दो लड़की को लिया था। इस बुधवार को पुराना हाउसिंग बोर्ड के नागरिकों ने पेयजल समस्या को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे नागरिकों ने बताया कि विभाग द्वारा उनकी कॉलोनी में नई पाइपलाइन भी डालने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र समस्या का समाधान करने की मांग की। बुधवार को भिवानी के पुराना हाउसिंग बोर्ड क्षेत्रवासियों द्वारा पानी की कमी को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि क्षेत्र में पेयजल की किल्लत बनी हुई है, उसी को लेकर आज क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस गली में पिछले कई दिनों से पेयजल की समस्या बनी हुई है। वह प्रशासन ने यहाँ नई पाइप की लाइन डाली थी लेकिन उसमें भी पानी नहीं आ रहा। साथ ही उन्होंने बताया कि वे पानी की समस्या के बारे में कई बार अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं देगा तो उन्हें मजबूरी वश सख्त कदम उठाना पड़ेगा तथा इसके लिए जिला प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। नई लाइन डालने के लिए आए थे तो पुरानी लाइन टूट गई, उसको नई लाइन डालकर चले गए, उसमें पानी नहीं आ रहा पिछले 8 महीनों से, कृपया करके पानी दिया जाए। गली नंबर 44, 43, 42, 41 मकान है, ये 8-10 मकान है यहाँ, यहाँ तो 2 साल से पानी नहीं आ रहा हमारे। अब ये नई लाइन डाली गई, मैं इसमें भी 6-7 महीने हो गए, सारी सड़क खोद के चले गए, सारा रास्ते रूस सारे बंद हो रहे हैं और हमने खुद मट्टी के रखे बंद करवाई है सड़क और नई लाइन में भी पानी नहीं छोड़ा जा रहा। 3-4 बार तो ये खड्डे खुद गए और ये खड्डे से ना हमने भरवाए से पीछे लगा कर पानी नहीं आ रहा और पानी बिल्कुल 2 साल हो गए और आने का कोई काम नहीं और ये बाढ़ रहा था हमने गिराया से नहीं उड़ा लिखने जगह कौन थी, बुरा हाल मचा रखा है सर। 2-2 साल पानी नहीं आएगा तो क्या करेंगे भाई, और जबर में नहीं हो तुम्हारा क्या हाल, क्या मांग मांग पानी तो चाहिए, पानी चाहिए, पानी दो भाई। और गली का हाल किसा कर दिया है, 3 बार आ लिए खुद नाले ले से खड़ा खोद कर जान दे रहे हैं, हमें इसने यो हमने रेत किया पीछा का। आज से भिवानी में बारिश होने की बन रही है पूरी संभावना, 1 या 2 दिन तक लगातार हो सकती है बूंदाबांदी, यह कहना है मौसम विभाग व कृषि विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल का। वहीं उन्होंने बताया कि किसान भाई मौसम को ध्यान में रखकर ही मूंग दाल व अन्य फसलों की बिजाई करें।
भीषण गर्मी और ह्यूमस से जूझ रहे हरियाणा में मॉनसून का आगमन किसी भी वक्त हो सकता है। यह जानकारी देते हुए मौसम विभाग व कृषि विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि जिले में लगातार एक या दो दिन बूंदाबांदी हो सकती है, जिसकी शुरुआत आज से ही होने की पूरी संभावना है, जिससे आमजन पूरी तरह से प्रभावित होगा। वहीं उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए ही मूंग दाल व अन्य फसलों की बिजाई करें, ताकि उनकी फसल अच्छी तरह से फल फूल सके। किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो अगले 48 घंटों में इसके हरियाणा में एंटर होने की संभावना है। इस दौरान 29 जून यानी आज से मौसम में बदलाव हो रहा है और अगले दो दिन हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जो है वो हरियाणा में बनी हुई है, और उसके पश्चात जो है वो मानसून की वर्षा जो है अगले 48 घंटों के दौरान जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ कि इस दौरान किसान अपने खेत के कार्य स्प्रे करते वक्त अभी एक बार मौसम को देख करके मौसम को ध्यान में रखते हुए करें, क्योंकि इस बारिश के मौसम में आपको कई बार स्प्रे करते टाइम आपका नुकसान होने की संभावना रहती है, लेबर को लगाते समय और सिंचाई करते समय इन सब, और जो मूंग और बाजरे की बुवाई का समय भी चल रहा है, तो इन सब कार्यों को करते समय मौसम को ध्यान में रखते हुए करें ताकि आपको नुकसान न उठाना पड़े। 23 जून से 27 जून तक बेंगलोर शहर में आयोजित की गई बेसबॉल प्रतियोगिता में भिवानी की महिला खिलाड़ी रितु ने गोल्ड मेडल जीतकर भिवानी का नाम रोशन किया है। अपने घर भिवानी पहुंचने पर विजेता रितु का खेल प्रेमियों उसके परिजनों द्वारा गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालकर जोरदार स्वागत किया गया। 25 से 27 जून तक बेंगलोर में आयोजित हुई बेसबॉल प्रतियोगिता में भिवानी की महिला खिलाड़ियों ने बाजी मारते हुए गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमाया है। आपको बता दें कि इस खेल प्रतियोगिता में जिले से 12 महिला खिलाड़ी खेलने के लिए गई थी। इसी कड़ी में विजेता खिलाड़ी रिंकू उर्फ रितु का भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों के साथ कोच व परिजनों ने शहर में गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए उनको फ्रेंड्स कॉलोनी निवास स्थान तक लाया गया, जहां पर उनके सम्मान में समारोह का भी आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि तौर पर रीति संगम एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेशाध्यक्ष इंदु परमार पहुंची। उन्होंने विजेता खिलाड़ी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं उन्होंने कहा कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। जिले में महिलाएं अपने परिश्रम से मेडल ला रही है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। यह सब उनकी मेहनत व कोच के दिशा निर्देशों का ही परिणाम है। साथ ही उन्होंने सरकार से विजेता खिलाड़ी को प्रोत्साहन रूप में राशि दिए जाने की मांग भी की। नाम रिंकू है, मैं बेसबॉल खेलने के लिए गई थी 21 तारीख को बेंगलोर। 27 से 28 तारीख लगे हमारे गेम रहे थे, उसमें हमारी टीम का गोल्ड मेडल था। हमारे 6 मैच हुए थे, उनमें से फर्स्ट पोजिशन हमारी ही रही थी, और जो मेरा गेम गोल्ड आया उसके सिर्फ पात्र मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली, मेरे बुजुर्ग और मेरे फ्रेंड्स। मेरा नाम अशोक है, मैं तहे दिल से कोच का भी धन्यवाद करता हूँ और मेरी बिटिया का, आगे भी मान लिया बहुत भविष्य में ऊंचा नाम करेगी, और इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कोच का भी, तहे दिल से पूरी टीम का, और धन्यवाद। मैं बस स्टैंड से विजय जुलूस से निकाला गया था, और तय दिल से पूरी पब्लिक का, पूरी भिवानी का मैं तय दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो ये बच्ची है रिंकू फ्रितु, ये बेसबॉल में गोल्ड मेडल लेके ये बेंगलोर खेलने गई थी, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारी बच्चियाँ जो छोटी काशी वैसे भी हमारे गेमों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो इस बच्ची ने हमारे यहाँ का मान सम्मान बढ़ाया है, यहाँ के एरिया का मान सम्मान बढ़ाया है, और इस परिवार को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देने आई हूँ, और भविष्य में भी यही आशा करूँगी ये बच्ची इसी तरह परिवार का नाम रोशन करेगी और आगे बहुत आगे तक जाएगी। आज बड़े हर्ष का विषय है, मेरे वार्ड नंबर 1 में फ्रेंड्स कॉलोनी में गली नंबर 11 बालविक बस्ती में एक बिटिया जो गोल्ड मेडल लेके आई है, तो आज हम सभी लोग मिलके उसका जो हौसला है वो बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि बिटिया है, छोटी है, और जैसा कि आपने देखा कि दिहाड़ी मजदूरी वाला परिवार है, तो जब तक हम जैसे लोग इस गुड़िया के लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे तो क्या पता इनका हौसला न बन पाए, तो इसीलिए हम सभी लोग इकट्ठे होके इसकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस बेटी को। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी इस परिवार की स्थिति है उसको देखते हुए अगर जो भी हमसे बन सकता है हम इसकी मदद करें। आज की खबरों में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।